दर्शकों, मैं राकेश गंजू, आपका होस्ट एंड दोस्त लोटस वर्ल्ड के स्पेशल कार्यक्रम तर्क शास्त्र में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर हफ्ते किसी न किसी नई शख्सियत को अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं और आज हमने एक ऐसी ही एक बड़ी शख्सियत को अपने कार्यक्रम में न्योता दिया हुआ, जिनका नाम है रितेश जी। रितेश जी, आपका लोटस वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत। नमस्कार राकेश जी, नमस्कार दर्शकों। राकेश जी, मैं माफी चाहूंगा, आपने मुझे बहुत बड़ा बना दिया। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ राकेश जी, आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग एंड दैट्स ऑल आई एम एंड आई फील। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। हमारे श्रोताओं, अगर आपको ये जानना है कि 14 घंटे से 16 घंटे तक अगर पानी में रहोगे आप, तो आपका क्या हाल होगा? शार्कों के बीच में पानी में आपको एक ऑयल टैंकर पे तैरना है, तो आपका क्या हाल होगा? आपकी बोट टूटी है और उसके बाद आप अपनी जिंदगी के लिए आप जदोजहद कर रहे हो, तो उस समय कोई फरिश्ता आपकी जिंदगी बचाए तो कैसा फील होता है? अगर आपको इस सभी प्रश्नों को उत्तर चाहिए तो इस कार्यक्रम को, इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूले। सबसे पहले मैं अपने सभी श्रोताओं से निवेदन करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट जरूर कीजिए, और हमारे सोशल मीडिया पेजेस फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना ना भूले। सबसे पहले हम रितेश जी का इंट्रोडक्शन देंगे आपको, उसके बाद हम बताएंगे कि उन्होंने क्या कारनामा किया। रितेश जो कि मर्चेंट नेवी में पायलट हैं, तो और इन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा दिखाया। वो रात थी 3 दिसंबर की, 3 दिसंबर को उन्होंने 2 इंसानों को जीवन दान दिया हुआ। वो कैसे हुआ, क्या हुआ, हम ये सब स्टोरी रितेश जी के मुख से ही सुनना पसंद करेंगे। रितेश जी, आप सबसे पहले बताइए कि 3 दिसंबर को हुआ क्या था? राकेश जी, 3 दिसंबर को मेरी पायलटेज ड्यूटी थी। एक बहुत बड़ा टैंकर, जिसको सुपर टैंकर बोलते हैं, जो जब भरा हुआ होता है तब 100,000 1,00,000 टन का तेल, उसके ऊपर की कैपेसिटी का तेल एक साथ लेके जा सकता है, क्रूड ऑयल। और ये टैंकर हालांकि उस टाइम भरा हुआ नहीं था, खाली था। और मेरी पायलटेज ड्यूटी थी 3 दिसंबर को। मुझे जो पायलटेज एरिया है हमारा, टॉरेस स्ट्रेट्स इसको बोलते हैं, जो PNG के से बिल्कुल जहाँ पे PNG के वेस्ट में, जहाँ ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर चालू होती है उसके साउथ वेस्ट में, वहाँ से लेके टॉरेस स्ट्रेट जो है, केप यॉर्क जो है, केप यॉर्क के वेस्ट तक जो ऑस्ट्रेलिया की जो लिमिट है, वहाँ तक हमारा पायलटेज एरिया है। और उस पायलटेज एरिया में विदाउट पायलट, विदाउट लाइसेंस पायलट, कैप्टनशिप नहीं लेके जा सकते। तो मेरी ड्यूटी उस शिप में लगी थी और 3 बजे के करीब मैंने ये शिप को बोर्डिंग की थी। और हालांकि शिप का ETA जो था, जो अराइवल था, पायलट बोर्डिंग ग्राउंड पे जहाँ पे मुझे चढ़ना था, ये शुरू से काफ़ी दिनों से इसकी मॉनिटरिंग चलती है और हमें एडवांस में नोटिसेस देते हैं। तो ये जो नोटिस दे रहा था 3 बजे का दे रहा था टाइम पे, 3 बजे पहुँच रहा है। और देखिए, भगवान ऊपर वाले की आप शुक्र बनाइए या ऊपर वाले का खेल बोलिए, उनका हुक्म बोलिए, कि लास्ट मोमेंट दोपहर में 2 बजे, दोपहर के 2 बजे अगले दिन 2 तारीख को, ये टैंकर ने अपना जो आने का समय, जिसको ETA बोलते हैं, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, वो 2 बजे कर दिया। बोला कि मैं 2 बजे आ सकता हूँ, बट फिर कुछ कारणों से वापस 3 बजे चला गया। तो इसका कारण है, मैं क्यों ये बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़े टाइम में अभी आगे जब कहानी चलेगी तो आपको पता चलेगा कि 1 घंटे में कितना बड़ा फर्क पड़ गया। सो 3 बजे मैं शिप में चढ़ा हूँ और शुरुआत में इतनी चैनल थोड़ी सी ओपन है, इतनी नैरो नहीं है, तो हम चल रहे थे आराम से। और जो सबसे उसमें एक क्रिटिकल, बहुत ही क्रिटिकल एक मोड़ आता है जहाँ पे कभी इंसिडेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और उस जो समय था उस टाइम का, उसकी जो पानी, जिसको टाइड बोलते हैं, जो पानी का बहाव आता है और जो हवा जिस तरह से चलती है, तो उस तरह की कंडीशन में, प्लस वेदर भी रफ था, तो वहाँ पे काफ़ी क्रिटिकल होता है। वहाँ पे शिप को भी काफ़ी सावधानी से चलाना पड़ता है, उसको टर्न करना पड़ता है। उसी पॉइंट पे हम पहुँचे 7 बजे के आसपास, 7:15 के आसपास उस पॉइंट पे पहुँचे। अब ये 1 घंटा अगर जो हम जल्दी अगर जो उस पे जाते
या एक घंटा पहले वो शिप आ जाता तो राकेश जी वो एरिया रात में हम निकल जाते अंधेरे में, हालांकि सुबह बोली जाती है 6 बजे की, लेकिन अंधेरा रहता 6 बजे। तो ये एक ऊपर वाले का एक हुक्म था। सो उस एरिया में जब मैं टर्निंग पे आ रहा था, ये क्रिटिकल टर्न पे, और ये नॉर्मली एक दिन का जब जो शिप को स्टारबोर्ड साइड बोलते, जो दाहिनी तरफ शिप की, वहां पे मैं बिल्कुल जो ब्रिज जो बोलते जहाँ से नेविगेशन पूरा कंट्रोल करते, वहां से ब्रिज बोलते उसको, तो वहां पे मैं ऊपर रहते हम लोग, वहां से शिप चलाते। तो कैप्टन जो शिप का था वो पोर्ट साइड में बैठा था लेफ्ट साइड में, और मैं राइट साइड में खड़ा था, जो चीफ ऑफिसर जो ड्यूटी ऑफिसर भी था उसको, तो उसके साथ खड़ा था। और हम बड़े आराम से, अच्छा सब कुछ चल रहा है, वेदर खराब है लेकिन एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, सब स्मूथ जा रहा है। तो हम कॉफी बनाने की बात कर रहे थे, और जो दरवाजा था जो था उसका स्लाइडिंग डोर वो खुला था, हालांकि रोबस्ट दरवाजा होता है मेटल नीचे और ऊपर ग्लास, तो खुला हुआ था। और उस वक्त एक मैं हल्का हल्का टर्न चालू कर रहा था, और उस वक्त मुझे हमें कुछ मूवमेंट दिखाई दी, और फिर चीफ ऑफिसर ने उसको आगे लेके गया पीछे एक, मतलब इस बात को और आगे लेके गया कि सो बाइनोक्युलर लिए उसने और बाइनोक्युलर से देखा उसने, और फिर चीफ ऑफिसर को भी समझ में आ गई, हालांकि मैं तो देख ही रहा था कंटिन्यूसली, है ना, और ये सब बोलते रहे सेकेंड्स की बात है खाली, हालांकि मैं इतना बता रहा हूँ बताने में ज्यादा टाइम नहीं रहा, बट सेकंड्स की बात है ये, जो जब ये हुआ तो करीबन 7:15 का टाइम था। एंड चीफ ऑफिसर फिर थोड़ा सा एक्साइटेड में पैनिक कर गया कि आदमी है सर, सर बाहर आइए सर, आदमी है। एंड आई नोटेड, आई सेड यस। तो बाहर जाके फिर सारे जो हमारा प्रोसीजर होता है कि लुकआउट वगैरह एस्टेब्लिश हो गए सारे, कि भाई देखो लुकआउट मतलब कि अभी ये आदमी दिखे अभी नजर में रखना इसको, क्योंकि क्या होता है अभी नेक्स्ट स्टेज होता है कि अब शिप घुमाना पड़ेगा वापस उसी डायरेक्शन में, और उनको बचाने जाना है, रेस्क्यू करना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसको भी आदमी जो दिखा है, क्योंकि ये तो ऐसा है कि एक घास के ढेर में एक सुई दिखता कि वेदर रफ था, काफी हवा तेज थी, विजिबिलिटी खराब थी, और मौजे भी लहरें भी थी उसमें, कुछ आदमी का मतलब ऊपर नीचे दूर सर दिखना या कुछ तो मूवमेंट दिखना, उसके ऊपर से एसर्टेन हो गया कि भाई ये तो आदमी है, वो इस्टेब्लिश हो गया। उसके बाद हमारा प्रोसीजर होता है, तो कैप्टन को अलर्ट किया, इमरजेंसी बुला ली तुरंत, और जो सिग्नल्स होते हैं इमरजेंसी के वो सिग्नल चालू हो गए देने। फिर सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो 3 लंबी ब्लास्ट मारनी ऑन के ऊपर, बिल्कुल ही लंबी, तो उससे क्या होता है कि ये एक सिग्नल है कि शिप के अंदर जो लोग हैं उनको पता चलता है कि भाई अब कोई तो पानी में है, अब चाहे उनका आदमी गिरा है या कोई दूसरा आदमी है पानी में, बट कुछ कोई आदमी पानी में है, ये सिग्नल है इमरजेंसी में। दूसरा जो पानी में है उसको भी पता चले कि भाई आप दिख गए हो, अब आपको भी ये करना है कि जो उसको बोलते ना एक डूबते को तिनके का सहारा, तो ये डूबते को एक हॉर्न का सहारा, ये एक चीज एक सिग्नल है, पहले उसको पता ना हो लेकिन जब वो हॉर्न सुनेगा तो इमिडिएटली उसकी रिएक्शन आएगी। तो ये था नेक्स्ट थिंग हैपेंस इज के अब मैं राइट साइड जो टर्न करा था, इसको स्टारबोर्ड साइड बोलते हैं, तो अब वो अगर जो मैं कंटिन्यू करता पूरा घुमाता तो शिप डेफिनेटली फॉर श्योर शैलोस में चली जाती और शिप ग्राउंड हो जाती, तो दैट वाज वेरी वेरी डेंजरस थिंग टू डू। सो मैंने मुझे शिप दूसरी डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में मुझे मोड़नी पड़ी पोर्ट साइड में, पूरा टर्न कंप्लीट किया और इमिडिएटली रेस्क्यू का, वो तो उसी वक्त से रेस्क्यू का चालू हो गया था जो मिशन जो था वो। मैंने डिस्ट्रेस सिग्नल जो मेडे सिग्नल बोलते हैं वो मैंने भेजा VHF में, और जो रीफ VTS जो कंट्रोल है यहाँ पे उनको मैंने बताया कि ये है, और रीफ VTS भी आपको रोकना चाहता हूँ यहाँ पे। आपने कहा कि आपको शिप मोड़ना पड़ा, इतना बड़ा शिप रहता है, क्या मोड़ने के बगैर और कोई तरीका नहीं रहता कि आपके छोटी नाव हो उसको डाल के उसको बचा के लाओ, मतलब जस्ट टेक्निकलिटी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि इज इट पॉसिबल, वाज इट दैट पॉसिबल टू शिप मुड़ाना। देखो मुझे पता है कि शिप मुड़ाना इज नॉट दैट इजी, इट टेक्स टाइम आल्सो। दो तीन चीजें राकेश जी, एक तो शिप मोड़ना पड़ा उस टाइम में, नेचुरल एक्शन वही है क्योंकि एक तो शिप की स्पीड बहुत होती है, शिप तो जो चल रहा है वो तो फुल स्पीड पे चल रहा है, करीबन तभी हम लोग कुछ 12 नॉट कर रहे थे, अब एक नॉट नॉटिकल माइल जिसको बोलते हैं, अब एक नॉटिकल माइल 1.85 किलोमीटर के रफली होता है ये, सो आप हिसाब लगा सकते हैं कि उस स्पीड में, और फिर वो छोटी रेस्क्यू बोट होती है, जो रेस्क्यू बोट बाद में वो आएगी, ये वो हम कर सकते थे बट वो बाद में उसका मैं जिक्र करूंगा, बट सबसे पहला एक्शन यही होता है कि आप तो पहले तो शिप को उस पोजीशन में लेके आइए कि जहां आप रेस्क्यू बोट लॉन्च कर सकते हैं।
आपको उसके लिए बिल्कुल उनको लाइन में रखना पड़ेगा, आपको भाई अभी इस्टेब्लिश हो गया कि ये बंदे इधर ही है। फिर ये है कि इतना इतनी हवा तेज है तो उसमें आपको ऐसी जगह आपको बनानी पड़ेगी, ऐसा आपको उसे शिप का जो शिप का इतना बड़ा शिप है अब ये तो इतना ऊंचा शिप था तो आपको उसका कवर लेना पड़ेगा। तो ये एक मैनूवर होता है सिचुएशन का। सो फर्स्ट सबसे पहला ये होता है कि एक बार अगर जो बंदे दिख गए उनको उनके पास नजर ना हटे। और राकेश जी ये तो खराब वेदर था लेकिन अच्छे वेदर में भी नजर हट जाती है, ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि कुछ डिस्टेंस दूरी होती है कुछ, प्लस पानी का जो करंट जिसको बोलते हैं पानी का बहाव। जब तकरीबन जब आपको पहली बार ये स्पॉट हुए तो व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन योर आईज एंड द एक्चुअल पर्सन, एरियल डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस मेरे ख्याल से कुछ अच्छा खासा रहा होगा कुछ, अब आपको कैसे बताओ, 700 मीटर एक किलोमीटर के ऐसे तो ऊपर ही रहा होगा। एक किलोमीटर आपने दूरबीन से देखा पहले स्टार्टिंग में जब आपको शक हुआ? यार एक मूवमेंट ही थी ये तो, और हमें बेसिकली ये स्टार्टिंग जो हमने सुना है कि हॉक्स आई होती है एंड यू हैव लिटरली शोन कि मैं तो एक किलोमीटर आपने विदाउट आई मतलब यू हैव एटलीस्ट आपको कुछ दिखा कुछ मूवमेंट है, फिर आपने दूरबीन ली होगी फिर आपने चेक किया होगा लेकिन basically, हाँ ये जैसे लुकआउट भी उसका जो लुकआउट बोलते जिनका काम ही यही होता है कि भाई वो खड़े रहते हैं। जब हम भी जब शुरुआत में ट्रेनिंग में थे तो हमें सबसे पहले यही था कि बेटा बाकी सब तो तुम सीखो ना सीखो ये जरूर सीखना। तो हमें मुझे अभी भी याद है मेरा चीवावी सर था उसने पहला और ये सबको सबको मेंटर जिसको बोलते हैं सब पहले शिफ्ट में सबसे शुरू में ट्रेनिंग में तो ये तो ट्रेनिंग पहले देती जाती है लुकआउट रखना है बराबर ये रडार और वो सब तो छोड़ो पहले तो आँख से देखो आँख पे भरोसा करो। तो वो स्कैनिंग जैसे करके होराइजन से लेके फिर ऊपर थोड़ा थोड़ा ऊपर करो तो नीचे करो तो वो एक इतने सालों पर से जो ये तो एक ट्रेन हो जाती है आँख। इसीलिए मैंने अकेला नहीं था क्योंकि आप ये भी बोल सकते हैं कि चीवावी सर ने भी देखा और चीवावी सर का बहुत ही एक्टिव उसमें रोल था। ही वाज आल्सो लाइक बेसिकली क्वाइट मैं उसका भी बताऊंगा बाद में रोल और ग्रुप का भी बहुत ही अच्छा काम किया सबने, इट वाज अ टीम वर्क। एंड चलो एक तो दिखा, इसमें इम्पोर्टेंट ये होता है कि उसके बाद सबसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस एक तो ये इस पे दे दिया गया है जो न्यूज की जो आइटम पहले हुई उसमें, लेकिन इसके बाद का जी बात की जो चीज है उनको साइट में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं बहुत सारे रेस्क्यू के जो होते हैं रेस्क्यू वाले उनसे मैंने बात करी है, बहुत सारे इवन एयरक्राफ्ट पायलट्स का भी आपको मिल जाएगा ये आप उनका उनके जो आर्टिकल है इंटरव्यूज पढ़ेंगे तो वो ये बोलते हैं कि भाई हमें जो लास्ट पोजिशन जो हमें बताई जाती है उस पोजिशन में हम पहुंचे 9 out of 10 times हमें मिलते नहीं है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे तो लोग मिलते ही नहीं है कभी, लेकिन 9 out of 10 times उसके बाद हमें सर्च एंड रेस्क्यू में आदमी मिले नहीं है। फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि ये एक सुई की तरह है कि पानी का बहाव करंट जो होता है जिसको बोलते हैं वो उनको कहीं और ले जाता है, फिर उसके बाद सर्च की पैटर्न है तो ये सब इसको ये लोग टर्न करते मतलब उस पैटर्न के हिसाब से सर्च करते हैं। बड़ा लंबा ऑपरेशन चलता है कभी कभी 13 घंटे 14 घंटे 15 घंटे भी लगे लोगों को इतना लंबा ऑपरेशन करने के बाद भी कभी कभी अनफॉर्चुनेट बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि उनको सक्सेस नहीं मिलती। तो सबसे राकेश जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि आप एक तो पहले आपको दिखा तो बंदे को छोड़ना नहीं है, नजर नहीं हट नजर ना हटे बस वो आप नजर में रखना ही उनको। अब शिप है शिप घूमेगा जगह पे तो घूमेगा नहीं तो थोड़ा आगे जाके घूमेगा क्योंकि आप उसको इस जगह में घुमाएंगे लेकिन जब तक वो घूमना चालू करेगा उसमें वो थोड़ा सा कुछ आगे चल गया होगा बहुत सारे अच्छे खासे कुछ मीटर्स कुछ 100 कितने 100 मीटर्स आगे चला गया होगा शिप पे डिपेंड करता है साइज पे और वो घूम के जब आएगा प्लस एक बार जब घूमेगा तो चक्कर का मारेगा तो वो 360 degree आदमी जो है ऊपर और सबसे ऊपर रखना बेटर है सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे तो उसके साथ वो आदमी को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। उसमें वेव्स आती है वो थोड़ा सा कहीं मिस हो गया तो गया तो गया एक बार नजर हट गई नजर से तो और यही हुआ 3 times हमने मिस किया था बंदों को और सो वो एक इम्पोर्टेंट था। फिर तीसरी बार जब हमने घुमाया शिप और हम उसी जगह में घूमते रहे शिप को स्लो भी कर दिया कि इंजन रेडी हो गया कि अब इंजन फास्ट करो स्लो करो शिप को रोको या रिवर्स मारो मैन्यूवरिंग बोलते उसको तो मैन्यूवरिंग के लिए इंजन फुल रेडी हो गए उसको भी टाइम लगता है तो वो सब हो गया एंड रेस्क्यू इक्विपमेंट्स रेडी हो गए रेस्क्यू बोट्स रेडी हो गई आदमी सब आ गए वो लोग सब नीचे भी सब लुकआउट पे सब वो लोग जो देख रहे थे बंदे लोग को पे नजर कर रहे थे। और दूसरा क्या होता है सबसे बड़ा चीज राकेश जी आपने अगर जो बंदे पानी में देखे है
या आपने कहीं कुछ बोट का कुछ टूटा हुआ हिस्सा या कोई कुछ ऐसा कुछ दिखा है रेकेज की आपको डाउट है, तो सबसे बड़ा ये आता है कि कितने बंदे हैं ये आपको पता नहीं है, क्योंकि इसके पहले कोई मैसेज नहीं था। नॉर्मली बोट कोई भी डूबती है तो उनके पास आजकल डिस्ट्रेस के सिग्नल्स आ चुके हैं, वो डिस्ट्रेस सिग्नल भेज देते हैं, उसमें कुछ अंदाजा मिलता है, पोजिशन का अंदाजा मिलता है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं था। यहाँ पे सबसे पहले हमारी शिप ने स्पॉट किया, फिर उसको हम लोगों ने जो पोजीशन दी कि भाई हमारा पोजीशन, अब पोजीशन जो दे रहे हो हमारी पोजीशन दे रहे हैं, मेरे शिप ये नहीं कि उनकी, क्योंकि वो तो हमें पता एग्जैक्ट लेट लॉग नंबर मिलेंगे नहीं, क्योंकि सेटेलाइट तो है नहीं, सेटेलाइट हमारे ऊपर है, तो उसके लेट लॉग दिए उधर से अप्रोक्सीमेटली कि भाई अभी ये डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन या साउथ वेस्ट डायरेक्शन के इतने इतने डिग्री पे इतने इतना अंदाजा है कि इतने डिस्टेंस पे है। अब उसके हिसाब से वो लोग भी जो है वहां पे उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई तो वो भी ट्रेंड होते, वो फिर पानी का बहाव कैसा है वो भी उनको पता रहता है, वो देख के फिर उस हिसाब से वो लोग भी अंदाजा लगाते हैं कि इस यहाँ पे देखा है तो इतना टाइम हुआ है तो इस टाइम में यहाँ पे होंगे, वो सब कैलकुलेशन चलता है। तो प्लस हम अपना मैनुअली भी ढूंढ रहे हैं, वो जो रेस्क्यू वाले है वो अपना कर रहे हैं। अब ये हुआ इससे कि तुरंत उन्होंने वहां पे एयरक्राफ्ट जो थे उन्होंने रेस्क्यू के जो एयरक्राफ्ट थे हेलीकॉप्टर इमीडिएटली उन्होंने स्क्रैम्बल किया, एम्सा के पास ये मैसेज गई, तो एम्सा वाले भी बड़े एक्टिव हो गए और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ये सब चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा इनका सिस्टम है, तो उन्होंने एक्टिव कर दिया। हालांकि केन से एक एयरक्राफ्ट जो उनका रेस्क्यू एयरक्राफ्ट केन से भेजा उन्होंने, एक रेस्क्यू एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर जो है उन्होंने भेजा यहाँ से हॉर्न आइलैंड, जो करीब में एयरपोर्ट है हॉर्न आइलैंड और स्टेट्स में, जो केप यॉर्क के से नॉर्थ वेस्ट में है, बहुत ही करीब है केप यॉर्क से, तो वहाँ से एक हेलीकॉप्टर रेडी करके वहाँ से रेस्क्यू की पूरी टीम उन्होंने भेजी, एक नेवी का वेसल एक उन्होंने भेजा। तो ये चीज़ तो मतलब बहुत ही बड़ी हो जाती है, और यही था कि यही डर था कि एक तो कितने बंदे हैं और दूसरा आप इतना बड़ा जहाज लेके चल रहे हो, अब ये एक छोटा सा एक डॉट है और ये आपको दिखने वाला नहीं है कहीं, ये एक तो ये बंदे सपोज और एक्स्ट्रा कहीं बंदे होंगे पानी में, आपका शिप उन पे कहीं चढ़ गया तो ये तो फिर मैनस्लॉटर का केस भी बन सकता है। तो इसीलिए फिर शिप आपको स्लो भी करनी है, फिर आपको बहुत सारी चीजें, यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा कि जब शिप अगर पानी के ऊपर किसी के ऊपर चढ़ जाता है तो क्या मतलब जैसे वो दब जाता है बंदा तो इसमें क्या होता है टेक्निकलिटी? नहीं, अभी आपको सम्मान लीजिए गाड़ी या ट्रक एक, अब गाड़ी किसी बंदे को टक्कर मारती है समझिए एक बहुत तेज स्पीड में, लेकिन थोड़ी सी कम स्पीड में, कंट्रोल स्पीड में, मान लीजिए 30 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही है गाड़ी और टक्कर मारती है, एक्चुअली टक्कर मारेगी तो उसको बंदे को काफी कुछ नुकसान होगा, लेकिन वही टक्कर जो ट्रक मार दे 30 लोडेड ट्रक हैवी ट्रक 30 किलोमीटर की स्पीड में, तो नुकसान ज्यादा होगा। अब इतना बड़ा जहाज हजारों टन का लाखों टन का जो उसमें जो है स्टील, अब वो उस स्पीड में टक्कर मार दे तो पता नहीं आदमी का क्या हाल होगा, मतलब आदमी क्या बचेगा, इट इज क्वाइट इमेजिनेबल। सो ये डिफिकल्टी है। दूसरा अगर जो मान लो आदमी को नहीं भी कुछ हुआ, वो साइड से शिप की साइड में अगर जो आ गया और साइड से बिल्कुल निकलते हुए फिर है उस टाइम में, तो फिर उसको एक बार वो तो दिख ही जाएगा साइड में आ गया, तो फिर हम वो मैनुअर भी अर्जेंट, एक अर्जेंट मैनुअर उसके लिए भी है वो भी करेंगे, लेकिन कहीं गलती से मान लीजिए प्रोपेलर जो है वहां पे आ गया, वहां पे सक्शन होता है, वहां पे जो पानी जो होता है वो उसको सक करता है, फिर इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट उस एरिया में अगर जो आ गया, अगर जो वो मैनुअर नहीं कर सके, लेट हो गया दिखने में या कुछ हुआ उसमें आ गया, तो उस पता नहीं कितने पीसेस में कट जाएगा। ये रिस्क होती है सारी, आपको दो दिखे पता नहीं कितने है पानी में और वेदर खराब है, विजिबिलिटी खराब है एकदम, आपको दिख नहीं रहा है, आपको बादल से घिरा हुआ है, बारिश हो रही है, हम लोग तो भीग रहे हैं बिल्कुल, तो आंखों में पानी जा रहा है, तो वो आंखें भी खुली रखने के लिए, और वही इश्यू जो दूसरे भी जो खड़े आफ्टर है, आफ्टरऑल वो भी तो इंसान ही है जो देखने के लिए खड़े हुए आगे खड़े है बेचारे, जो मैं समझता हूँ पूरा शिप के सब क्रू खड़े, उनको भी यही दिक्कत थी। तो इट वॉज क्वाइट चैलेंजिंग टास्क फॉर ऑल ऑफ अस, और तो जैसे ही घुमा सब कुछ, चलो विद एक्सपीरियंस उसमें ये होता है कि कैप्टन भी कर रहा था, मैं भी, हम लोग दोनों मिलके सबको चलो आप ये करो ड्यूटी सब, हमने एक बार ये एस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद फिर टाइम आया कि
ढूंढ रहे भी अभी बंदे कहाँ है, वो जो दो दिखे वो कहाँ है, और कोई दिख रहा है, कुछ दिखता है। अब अपनी बोलते ना आंखों से स्कैनिंग चालू हो गई, बाइनोक्युलर से स्कैनिंग चालू हो गई, हालत इतनी खराब थी कि बाइनोक्युलर में पानी जा रहा था तो बाइनोक्युलर हटा के आंखों से देख रहे थे, बारिश हो रही थी, वो बाइनोक्युलर का भी हमें मतलब हेल्प नहीं मिल रही थी। और उस वक्त मैं तो बीच में जो भगवान को प्रे कर रहा था बंदों के लिए, ए, आज भगवान इनकी जिंदगी बचानी है आप, मैं तो प्रे भी बीच में कर रहा था, मैं भगवान में बहुत मानता हूँ। और ये भी हुआ बाद में जो उनकी जो इंटरव्यू में, उनकी भी इंटरव्यू जब ली गई तो उन्होंने भी भगवान का ही बोला कि वो भी भगवान को प्रे कर रहे थे करीब करीब 3 बजे के आसपास, बराबर इन्होंने बताया, इनको तो पता भी नहीं था ये 3 बजे का टाइम मेरा, लेकिन इन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बताया कि 3 बजे के आसपास उन्होंने होप छोड़ दिया था, तब बोला कि एक आवाज आई उनको, ये बिल्कुल इनके इंटरव्यू में है आप देखे, कि एक आवाज आई कि और हिम्मत रख। और फिर बंदों ने वो जो एक दो में से जो एक बंदा था जो भतीजा था, उसने अपने उसका अंकल भी साथ में, तो अंकल को बोला उसने कि हमें हिम्मत रखनी है और कुछ ना कुछ भगवान रास्ता निकालेगा। और उसके बाद फिर प्रे करते रहे, बातें करते रहे, वो वुडन प्लैंक में पड़े रहे ऐसे ही, और तब जाके देखिए कैसा डिले हुआ सब, ऑल्सो इट्स ऑल कोइंसिडेंस। पानी का टेम्परेचर क्या रहा होगा वहां पे? पानी का राकेश जी मस्ट बी अबाउट 24 डिग्रीज के या 22 to 24 डिग्रीज के आसपास, उतना ठंडा पानी नहीं था। ठीक, तभी पानी उतना ठंडा नहीं था वहां पे। दूसरा एडवांटेज, करेक्ट, और दूसरा एडवांटेज ये था कि इन्होंने मैं स्वेट सूट पहने हुए थे दोनों, बिकॉज फिशिंग पे निकलते थे। अब ये तो फिशरमैन है, इन्होंने इनको अपनी इमरजेंसी लेके भी चल रही है लोग, स्वेट सूट में रेडी। सो कमिंग बैक टू दिस स्टोरी, सो उसके बाद हमने फिर शिप को घुमाया और हम लोग वहीं पे घूमते रहे, फिर उनको दिखे तो 3 बार हुआ जहाँ पे हमने साइट मिस करी, और तीसरी बार जब दिखे तब फिर के अब साइट नहीं छोड़ दिए। उस टाइम में फिर हम थोड़े करीब आए उनसे, और अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन ये भी था कि अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, अब अगेन यू नो ये सब चीजें एकदम बिल्कुल मतलब कुछ मिनटों में ही होती है, तो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना था। अब ये था कि करीब आए तो भी देखो कंडीशन क्या है बंदों की, सो वो बायरेगुलर से भी देखा, और फिर मुझे रिपोर्ट किया जो खड़े थे वहां पे लुकआउट के लिए, उन्होंने रिपोर्ट किया कि 4 या 5 बंदे हैं, तो वो मैंने आगे भी रिपोर्ट किया मैंने कि शायद 4 या 5 बंदे हैं, और फिर इट वॉज नलीफाइड कभी, क्योंकि एक जो रिपोर्ट आई तो उसको कंटिन्यूस देखते भी रहते तो, और जैसे जैसे रिपोर्ट आती है, मैंने उससे पहले भी 2 बार जब अपने साइट लूज की तब वो रिपोर्ट हम करते रहे कि भाई ये पोजीशन में हमारा शिप, अब हमारे इसे ये डिस्टेंस है ये डायरेक्शन में, ताकि उनको एक तो उनका क्या होता है प्रेडिक्शन पे वो लोग एस्टिमेट करते हैं, और दूसरा क्या होता है कि चलो इतने बजे ये पोजीशन से इतना डायरेक्शन में, तो ये पोजीशन उनकी ले लेते, ये पोजीशन पे सर्वाइवर थे अब ये पोजीशन पे गए, तो उनको भी एक करंट का एक्चुअल करंट वहां पे क्या चल रहा है, एक्चुअल मामला क्या चल रहा है वहां पे, कितना ड्रिफ्ट करे कहां पे, उनको भी पता चलता है। अब ये एसर्टेन करना था, तो फिर उसके लिए अभी रिपोर्ट तो कर दिया 5 है, उसके बाद फिर आया कंफर्म हुआ बाइनोक्युलर से, हमने एसर्टेन किया, मैंने भी देखा बाइनोक्युलर लगा के, फिर मैंने वापस जाके कहा नहीं 2 बंदे हैं, और वो भी समझते। फिर उसको और वेरीफाई करने के लिए कि उसका जो वीडियो था, जो वीडियो एक जो कैडेट था मेरे ख्याल से बाजू में खड़ा था वो बना रहा था, तो उसने वीडियो देखा, तो उसने फिर बताया कि भाई सर ये देखिए वीडियो, तो उस वीडियो में थोड़े कुछ और भी दिखा, वीडियो तो इसी के लिए ना क्लैरिटी के लिए, वीडियो में तो एक शार्क भी दिखी, तब एक शार्क दिखी थी, वो जो था उसने पूरा डिसीजन चेंज किया, बिकॉज अब ये था कि हेलीकॉप्टर भी आ रहा है एनी टाइम, मतलब एनी टाइम तो नहीं है, हेलीकॉप्टर को भी ETA कुछ दे रहा था, और रेस्क्यू बोट भी रेडी है। चीफ ऑफिसर अगेन, मैं जो पहले बताई थी कि चीफ ऑफिसर की बात कराऊंगा, तो चीफ ऑफिसर आई वॉज रियली रियली इम्प्रेस्ड बाय द ब्रेवरी ऑफ हिम इज ऑल्सो, मतलब उसका जो डेडिकेशन था, और डेडिकेटेड तो खैर सारे थे, सब यही बोले थे कि सर कैसे भी बचाना है बस हम करेंगे, और अपने इंडियन क्रू ही था वो भी एक अच्छा खासा एक ये हो गया था, लेकिन क्योंकि ऑटोमेटिक हम लोग उसमें बॉन्डिंग एक हो जाती है कि चलो मैं भी उसी इसमें से निकला हूँ, ट्रेनिंग मेरी उसी सेटअप में से हुई है पूरी, और सो वी वर ऑल एक प्रॉपर टीम थी हमारी, एंड उसका भी बहुत फायदा हुआ, इंडियन क्रू था सारा, प्लस एक थोड़ा सा हम लोग हिंदी भी स्विच ओवर हो जाती थी, बट दैट्स ओके। देन एक
डिसीजन ले रहा था कि भाई रेस्क्यू बोट उतारे कि नहीं। अब रेस्क्यू बोट उतारने के लिए ये था कि वेदर खराब था, अब रेस्क्यू बोट अगर जो डाले, फिर शार्क्स भी दिखी थी, अब कहीं अगर जो कुछ हुआ, कहीं बोट से कुछ हादसा हो गया, ऑलरेडी उनकी जो बोट थी वो बैड वेदर की वजह से गई थी, कहीं कुछ हादसा हो गया तो और बंदे पानी में जाएंगे, ये भी एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन था। दूसरा डिसीजन ये था, मैं एकदम प्ले सेफ प्ले करता और मैं वेट कर लेता, हेलीकॉप्टर आ रही रहे, बट देन पानी में फिर डाउट भी था कि भाई ये है, तो आई टुक अ डिसीजन के मैं शिप से ही रेस्क्यू अटेम्प्ट करता हूँ। दिक्कत ये थी कि मेरे और जो शिप, बेसिकली मेरे मतलब शिप के, शिप और बीच, ये जो सर्वाइवर थे बिल्कुल बीच में थे और उसके पीछे रीफ थी। अब रीफ में अगर जो शिप चढ़ जाती है ग्राउंडिंग तो बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है ये, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में रीफ प्रोटेक्टेड एरिया है। रीफ क्या होता है? ये ग्रेट बैरियर रीफ, बेसिकली जो ग्रेट बैरियर रीफ है, इट्स अ हेरिटेज साइट और प्रोटेक्टेड एरिया, और रीफ जो नेचुरल कोरल से जो बना हुआ है। अच्छा, तो कोरल से, सो इसको ये बेसिकली इसी के प्रोटेक्शन के लिए ये सारा ये बनाया हुआ है, लाइक ऑल दिस पायलट वगैरह कंपलसरी किया है यहाँ पे, ताकि शिप्स है, कुछ कुछ एरिया काफी क्रिटिकल है और कुछ एरिया थोड़ा सा मैं ये बोलूंगा कि अभी क्रिटिकल तो सारे है, बट इसीलिए फिर के नॉर्मल जो कैप्टन है, सारे कैप्टन उनको ना देखे, पायलटेज किया हुआ है कि भाई चलो, और 90s से पहले यहाँ पे कंपलसरी पायलटेज नहीं था, तो हादसे भी पड़े हुए। ये पायलटेज कंपलसरी हुआ 91 में, इनर रूट जिसको बोलते हैं, और 92 में। सो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि पूरे रीफ में, रीफ का कुछ नॉर्दर्न पार्ट था उसमें 92 में कंपलसरी हुआ, उससे पहले तो ऐसे ही मतलब था। और वहाँ पे हेरिटेज रैक भी है कि शिप रीफ पे चढ़ाती है, एक बेट रीफ करके एक एरिया है, वहाँ एक हेरिटेज साइट अभी भी रैक पड़ा हुआ है, उसको हेरिटेज रैक अभी है, तो उसको हटा नहीं सकते वहां से। सो बड़ा दुख होता है, हम देखते हैं उसको डेटा में जब पास करते हैं, वहाँ पे एक शिप बहुत 80s में कभी वो शिप वहाँ पे वगैरह, तो ये भी इशू है। सो रीफ पे पायलट के साथ शिप चढ़ जाना, तो ये तो फिर मेरा मतलब मेरी छुट्टी हो जाती, कैरियर का भी मेरा ये हो जाता था। आई टुक अ डिसीजन, ये मुझे पता था ये वाला जो रन है ये हाफ हार्टेड रन है, ये मैं सेम वही जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि मैं ये वाला मैं अटेम्प्ट करूँ, मन में था अटेम्प्ट करूंगा जरूर इनको उठाने का, आई गो एज क्लोज एज पॉसिबल इतने बड़े शिप से, क्योंकि इतने बड़े शिप से फिर मैंने सारे बताए इसके क्या रिस्क है, लेकिन उस एरिया में मैं रोक नहीं पाऊंगा और फिर उतना करीब भी नहीं जाऊंगा ताकि वो प्रोपेलर में आ जाए, क्योंकि मैं रोक नहीं पाऊंगा क्योंकि पीछे रीफ्स है, शिप ये गाड़ी तो है नहीं शिप पे, ये वहां से चल के अगर जो शिप नहीं रुका या टर्न नहीं हुआ रीफ से पहले, तो फिर बहुत रिस्की होता है। अगर जो उसको उठाने का अटेम्प्ट करता उनको मैं उस टाइम में, तो प्रोपेलर मैं चला नहीं सकता, इंजन दे नहीं सकता, क्योंकि इंजन ही पूरा खेल है, वही है मेरे पास जिसे मैं शिप को सेफ रख सकूँ या घुमा सकूँ रीफ से। फिर भी मैंने अटेम्प्ट किया, और इस टाइम में ये था कि एक तो शार्क्स थोड़े से जो अगर जो है उधर में इतने है, उस टाइम में पता नहीं था मुझे क्योंकि बट एक दिखी थी, तो लेके गया मैं वहाँ पे, और बॉय होता है जिसमें स्मोक निकलता है और एक रिंग होती है उसके साथ अटैच, तो वो स्मोक काफी ऑरेंज स्मोक फेंकता है और दूर दूर तक दिखता है। ये आइडिया था कि उसको मैं फेंक दूंगा उधर इतना करीब, ताकि ये बॉय एक बार फेंका और इन्होंने अगर जो बॉय पकड़ लिया, और सो फिर पता है कि भाई ये दो बंदे यहीं पर हैं, तो वो मेरे लिए भी कितनी देर तक स्मोक निकलता उससे, इसका करीबन आई मीन 30 मिनट्स तक मुझे अभी एग्जैक्टली आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो करीबन यू कैन से अबाउट 30 मिनट्स तक इसका है, 30 मिनट तक। उसके बाद भी वो जो एरिया ऑरेंज स्मोक उसका काफी, वो एरिया के आसपास उसपे वो जो थोड़ा सा कैसा कुछ रेडियस में छोटे से रेडियस में उसका ये देता है, तो वो जो है वो अपना स्मोक इससे अपना दूर से जो हेलीकॉप्टर जो दूर से आ रहा है या कोई भी नेवी का शिप या जो भी रेस्क्यू क्राफ्ट आ रहा है वो दूर से उनको दिखेगा ये चीज। तो ये एक आइडिया था, प्लस मुझे अटेम्प्ट करना था क्योंकि, तो वो घुमा के, तो वो जो अटेम्प्ट मुझे करना था उसके लिए भी उतने टाइम में तो मैं खत्म कर ही देता पूरा, तो इसके लिए भी मैंने ये चीज रखी थी। तो वहां से मैंने टर्न किया, जब टर्न किया तो, और इट वाज कंट्रोल टर्न, मैं बिल्कुल कंट्रोल में था, मैंने पहले तो मैं गया वहां पे, मैंने स्मोक सिग्नल मैंने बॉय फेंका और
बॉय फेंकने के बाद उन्होंने बॉय को पकड़ भी लिया, उन्होंने लपक भी लिया, बिकॉज बाद में उनके इंटरव्यू भी आया कुछ 20 मीटर के करीब उनके पास गिरा था, कहीं पे मैं इंटरव्यू उनका पढ़ रहा था। तो उतना 20 मीटर स्विमिंग करके बड़े अच्छे खासे फिट बंदे थे, बड़े स्विमिंग वाले थे, सो स्विम भी कर लिया, उन्होंने बॉय पकड़ लिया, वो हमने देखा, हमें थोड़ी रिलैक्स भी हुआ। और फिर शिप को मैंने घुमाया तो थोड़ा सा करीबी मामला था, बट आई ऑलवेज न्यू कि ये तो करीबी होने वाला, और आई वाज ऑलवेज अंडर कंट्रोल, बिल्कुल रिलैक्स था मैं, वो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, शिप को नहीं चढ़ेगा अभी, इट वाज प्लान वो करके। उसके बाद एक बार शिप घूम गया और एक बार मेरे मुझे दिख रहे थे ये बंदे, उसके बाद इट वाज स्ट्रेट रन, क्योंकि फिर मुझे पता है कि कहाँ पर है बंदे, कैसे जाना है। और फिर मैंने ये किया कि उनको ली साइड बोलते जो विंड, जो हवा, जो तेज हवा है, उसको मैंने बिल्कुल मेरी जो दूसरी साइड है वहां पे रख लिया। तो इनको मैंने एक इतना बड़ा जो पहाड़ जैसा एक पूरा होता है, जो खाली का शिप पहाड़ एक होता है, उससे उनको फिर वो जब शिप के साइड में आएंगे तो वो उससे भी उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, बिल्कुल वो मैनूवर। और ये मैनूवर मैंने बहुत बार किया है, ये फिशिंग बॉय होते हैं या कोरिया में जब जाते हैं तो गिग्स बोलते हैं, वो पानी में वो लोग फिशिंग फिश ट्रैप्स लगा के रखते हैं, उनको अवॉइड करते हैं ये मैनूवर से। और ये अवॉइडिंग मैनूवर ये है, ऐसा है कि अगर उनको हिट कर दिया, कोरिया वगैरह में तो फाइन्स है, मॉनेटरी फाइन्स है अगर जो हिट किया था, लेकिन चलो वो मैनूवर मैंने बहुत बार किया था। अब यहाँ पे फाइन्स तो थी, लेकिन यहाँ पे ये था कि उसकी जगह में ह्यूमन लाइफ थी एंड फाइन्स वर वेरी वेरी हैवी। अब पता नहीं अगर जो कुछ हो जाता, नहीं शिप उन पे चढ़ गया या कुछ ये हुआ, तो फिर तो फाइन्स मेरी मतलब लीगल इम्प्लीकेशन भी हो सकते थे एंड कैरियर से तो चलो मेरा पूरा खत्म ही हो जाता था, कहीं हो सकता था। एंड तो यहाँ पे फाइन्स काफी हैवी थी, बट देन देयर वाज दिस एक ये था मन में कि भाई जान बचानी है, बंदों की जान बचती है तो उससे ऊपर कुछ, और उस वक्त कुछ नहीं सोच रहा था, उस वक्त मेरे दिमाग में ये फाइन्स वगैरह बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं था। हाँ ये था कि ये नहीं करना है मुझे, ये मेरी जो इतने सालों की ट्रेनिंग, इतने सालों का जो भी मेरा है, तो ये नहीं करना है, लेकिन मुझे ये तो करना ही है कि इनको बंदों को बिल्कुल लेके जाके उठाना है मुझे। तो वो मैनूवर हो गया, लुकआउट से उन्होंने बहुत ही अच्छा, आगे जो खड़े थे बंदे उन्होंने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था, उन्होंने वो बताते रहे कि अब इधर है, अब इधर है, इतना है, थोड़े से बेचारे वो पैनिक भी हो गए, बट क्योंकि उन्हें नहीं पता था, उन्हें लगा कि मैं सीधा उन पे जा रहा हूँ, लेकिन मैं वो नहीं जा रहा था। सो उनको बोला डोंट वरी एवरीथिंग इज प्लान्ड, वो भी थोड़े रिलैक्स हुए, बस आप रेडी रखो, अभी बस आने ही वाले, अब आप इनको पकड़ना है, अब इनको शिप से दूर जाने नहीं देना है। फिर एक टाइम आया जहाँ पे मैंने इंजन बिल्कुल रोक दिया, बिकॉज इंजन ये था कि इंजन रोको ताकि आप अगर जो इंजन तुरंत आप रोकोगे वो प्रोपेलर जो है वो घूमता रहेगा, फिर भी उसकी जो मोमेंटम जो है उससे वो इनर्शिया से वो घूमता रहेगा। तो ये था कि अगर जो मैं मिस करता हूँ अपनी बार पीछे कहीं जाते हैं तो प्रोपेलर में ना फंसे। जो बाय द टाइम जब ये मेरे बिल्कुल इस पॉइंट पे आते हैं, जो पीछे का जो हिस्सा है उसके करीब आते हैं, अगर जो आ जाते हैं, आगे नहीं पकड़े जाते, इधर आ जाते हैं, तो मुझे प्रोपेलर मेरा बंद होगा और जो शिप का जो मोमेंटम होता है वो शिप बिल्कुल उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। वो पूरा प्लान मैनूवर था और वो मैंने उसी हिसाब से बिल्कुल मतलब वहां पे गया शिप। और बाद में इनके इंटरव्यू में ये भी आया कि अगेन शिप वॉज वेरी क्लोज। और फिर उन्होंने तभी जो भतीजा था जो उसने ये इंटरव्यू अपने बोला हुआ है कि मैंने अंकल को बोला कि चलो, और क्रू भी नीचे चिल्ला रहे थे बिकॉज ऑर्डर उनको ब्रिज से गया कि अब बॉयज फेंक दो, वो जो रिंग्स होती है बॉयज, तो वो फेंके और वो भी ऑर्डर किया। और वो आपको जो टीवी की जो क्लिप है उसमें आपने कुछ आवाजें सुनाई दे रही है, तो इट वाज लाइक यू नो वो हमारी आवाजें भी थी ब्रिज में से, हम चिल्ला रहे थे काफी, हम क्रू को भी इंस्ट्रक्शन दे रहे थे चिल्ला के, क्योंकि वॉकी टॉकी में दे सकते थे बट वो फिर उससे अच्छा है कि स्ट्रेट यू नो कान से, क्योंकि वॉकी टॉकी दबाओ फिर उसको स्ट्रेट, वी वर गिविंग इंस्ट्रक्शन, क्योंकि एक्साइटमेंट इतना था, जो एड्रेनालिन जिसको बोलते इतना किक इन हो गया था कि भाई अब तो बस सामने ही है और इनको ये उठा ही लेना है इनको, एटलीस्ट। सो वो एक हो गया एंड चलो थोड़ा सा उनको कुछ 10 मीटर के आसपास या 20 मीटर आई थिंक 10 मीटर कुछ था स्विमिंग इनको करना पड़ा होगा, वो स्विम करके बॉय पकड़ लिया उन्होंने पीछे की तरफ, आगे तो मिस कर गए थे वो, हमने नेक्स्ट वगैरह सब रेडी रखा था, वो उठा लिया और उसको पकड़ के शिप को स्टॉप हो ही गया था आराम से एकदम, ना कोई स्पीड थी कुछ नहीं, तो दोनों बंदों ने बॉय को लपका। सो जो एक था वो बिल्कुल जो एकोमोडेशन जहाँ पे हम खड़े उसके आगे ही बिल्कुल वो वहाँ पे आया, दूसरा ज्यादा थोड़ा पीछे चला गया और वहां पे भी उसको बॉय से पकड़ लिया था और उसका हेलीकॉप्टर आया। अब ये था कि चलो रस्सियां वगैरह रेडी करके सब रखा था, हैवी रस्सी उसके ऊपर मोटी रस्सियां बांध के रखी थी उसके, तो अब ऑप्शन ये था कि इनको मिडशिप में जो मतलब शिप का जो मिडिल पार्ट होता है वहां पे लेके जाकर, नेट्स वगैरह रेडी थी, गैंगवे रेडी था, तो वहां से उठा था। लेकिन
एक दिमाग में यही था कि जल्दी उठाओ फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि तो ये भी एक था शार्क्स का, बट शार्क्स करीब नहीं थी क्योंकि शार्क्स डिस्पर्स हो चुकी थी उस वक्त, शार्क्स नहीं थी एरिया में, पानी में नहीं थी शार्क्स। तो फिर हेलीकॉप्टर वाले ने भी कॉन्टेक्ट किया, सो मैंने बात करी उनसे और उनको बताया कि अभी देखो पीछे जो बंदा है आप देख लेना, क्लियर है तो आप जाना, आप क्लियरेंस अपना भी देख लेना भाई अलग। एंड देन पीछे जो बंदा था उसको थोड़ा सा तो उठा ही लिया था हमने, और फिर मैंने ये क्या कि उसको पूरा ऊपर लेके, क्योंकि उधर क्या कर्वेचर होता है शिप का, तो वो उधर से उठाना उसको भी बड़ी दिक्कत होती है। अब मिडशिप में लेके आया अगर जो उसी बॉय से ही बंदे बंदे, तो वो तो ऑप्शन थोड़ा सा ठीक नहीं लगा था हमें, तो हम लोग कोशिश कर रहे थे इनको खींच ले, बिकॉज अगेन अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ये बंदे को तो खींच लिया, अगेन डेडिकेशन जो क्रू का था, क्योंकि इतने चार्ज तक हो चुके थे कि बस बिना चलो जान बचाओ बस इसको उठाओ, और बोलते थे हमें जान बचानी है बस, वो भी एक बहुत ही अच्छा चार्ज माहौल था। तो और पीछे का जो बंदा था उसको थोड़ा सा उठा ही लिया था, फिर मैंने बात करी हेलीकॉप्टर से और मैंने बोला कि आप अगर जो कन्वीनियंट ये होगा, अगर जो आपको ठीक लगता है, सो दे एग्रीड टू इट। तो डाइवर नीचे का, उनको बोला सेफ्टी अपनी भी देख लेना, आपकी हेलीकॉप्टर की सेफ्टी, बंदे की भी सेफ्टी देख लेना। सो देट दे कन्फर्म, वो नीचे गया बंदा उसने, और इसको हमने तुरंत रिलीज किया, मतलब प्यार से नीचे धीरे धीरे उसको उतारा हमने, ऐसा नहीं कि चलो ठीक। So, बंदा गया नीचे और वो दूसरा नीचे बंदा रेडी था उसको रेस्क्यू का जो था वो रेडी था, उसको सीधा उसको विंच करके हेलीकॉप्टर में उठा लिया, तब तक ये हमारे इधर आ चुका था। फिर काफी बिकॉज पानी में इतने टाइम रहे थे, पता नहीं कितना टाइम रहे थे वो लोग, सो तब पता चला मुझे, क्योंकि मैंने पूछा फिर वॉकी टॉकी आप इनको पूछो कि भाई ये कितना टाइम तक, मतलब कितने बंदे थे सबसे पहले, और तो सेफ्टी, इनकी सेफ्टी भाई, ये सेफ है कि नहीं, बात कर सकता है, कंडीशन क्या है बंदे की। तो बोला नहीं बंदे की कंडीशन ठीक है, और पानी और जूसेस वो सब तो चालू ही था, वो रेडी था, वो सब कंबल वगैरह रेडी थे, इसमें ठंडी भी हाइपोथर्मिया वगैरह ठंडी पकड़ लेते, तो वो एक था, तो उनको वो सब चालू ही था, प्लस उन्होंने भी कन्फर्म किया कि भाई दो ही बंदे थे और ये दूसरा बंदा भी सिक्योर हो चुका है। तो फिर हेलीकॉप्टर से बात करी, हेलीकॉप्टर ने भी कंफर्म किया कि यही है और कोई बंदा नहीं है, तो बहुत रिलीफ हुई कि चलो ये जो था 100% लॉस कुछ नहीं है और पूरा 100% क्लियर हो गया है, तो बहुत बड़ी रिलीफ हुई, ना चोट आई है ना कुछ हुआ है, ऑपरेशन बहुत 100% सक्सेसफुल, बहुत ही अंदर से इतनी रिलीफ हुई। एक पल के लिए मैंने फिर आँख बंद करके भगवान को थैंक किया, थैंक यू बोला मैंने, एंड मुझे शिप भी, मतलब और शिप क्योंकि अब मेरी क्लियर थी, क्योंकि ये जो रन जो मैंने प्लान किया था ये तो शिप क्लियर ही थी कि भाई ये तो चलती रहेगी, क्योंकि अब मेरे बंदों के पीछे कुछ नहीं है ना, मेरे बीच में ये बंदे के और शिप के बीच में, तो शिप तो फिर आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, धीरे 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 शिप चली रही थी और सेफ थी काफी। सो ये सब इतना टाइम था हमारे पास, फिर हेलीकॉप्टर से, क्योंकि हेलीकॉप्टर को भी स्टडी कोर्स देना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट जस्ट आई मीन कीप टर्निंग द शिप, और सब हेलीकॉप्टर से भी बात करी और हैप्पी बोला चाहिए तो मैं इसको हॉस्पिटल रख लेता हूँ, फिर मैं आ ही रहा हूँ आप पे जहाँ से आप चले, तो ये कि और 5-6 घंटे लग जाएंगे मुझे पहुँचने में, तो बोले नहीं हम क्या हैप्पी इनको हम लेके जाते हैं अपने साथ। सो फिर वो बंदा भी रेडी हो गया था, उसको लेके गया आगे यहाँ पे हेलीकॉप्टर था, वहाँ पे बंदा एक आया, एक रेस्क्यू वाला एक आया, उसने बात करी ठीक ठाक है, उसको इंस्ट्रक्शन दिए और अपने रीच करके लेते गया, फिर वहाँ पे हॉस्पिटल में लेके गए उनको, और मैं अपनी पायलटेज ड्यूटीज तो हमारी नॉर्मल, तो फिर वापस उसी मोड पे आ गया जहाँ से मैंने चालू किया था टर्न, यही था कि 3 घंटे के बाद आया और वो टर्न कंप्लीट करके फिर तो खुला ये था, काफ़ी 2 घंटे का रन था, तो उस 2 घंटे के लिए तो फिर हमने सारे क्रू मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करा था, हमारे पायलट स्टेशन से भी आके गए इनको कॉन्ग्रेचुलेट करो, बहुत ही अच्छा ऑपरेशन हुआ, हमारे जो पायलट मैनेजर थे उन्होंने उनका मैसेज भी देना था, दे आर वेरी हैप्पी। रीफीटीएस जो होता है जो दिक्कत सपोर्ट बहुत ही अच्छा था, प्लस एमसा ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया, आरसीसी जिसको बोलते हैं रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिन्होंने हेलीकॉप्टर भेजा था उनका भी सपोर्ट बहुत ही अच्छा था, और आई थिंक एमसा के जो रेस्क्यू के जो इंचार्ज थे मिस्टर सेलर, उनका कहीं इंटरव्यू में मैंने पढ़ा था कि इट वॉज इनक्रेडिबल रेस्क्यू, और आई डोंट नो आपने शायद पढ़ा के नहीं थे, उसमें भी उन्होंने बोला था कि भाई मैंने इतने मेरी 20 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, बट ऐसा कभी रेस्क्यू देखा नहीं, और एक रिकॉर्ड टाइम में भी हुआ, फिर मुझे बोला उन्होंने कि 2 घंटे में, क्योंकि बाद में फोन भी बात नहीं मिली, तो
बोला कि देखो 2 घंटे में तो पूरा रेस्क्यू, 2 घंटे में रेस्क्यू खत्म हो गया था। और बोलते भाई रिपोर्ट मेरा लिख के, पूरा रिपोर्ट लिख के खत्म, 3 घंटे में पूरा खत्म हो गया। तो बोलते बोले कि मैं थोड़ा रिपोर्ट लिखने में भी स्लो, इट वाज सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड। सो देयर वी वर ऑल वेरी हैप्पी। तो हमने फिर सबने भगवान को प्रे किया, फोटो खिंचवाई सबने साथ में टीम की, ये हमारी मेमोरी में रहेगी लाइफ टाइम के लिए। आई एम श्योर ये वाकया जी, ये एक्सपीरियंस ऐसा है कि शिपी की लाइफ में, किसी भी शिपी की लाइफ में कोई ये नहीं चाहेगा ऐसा दिन देखना पड़े। नॉट के हम, हमें कोई, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि ऐसा देखना पड़ा, हम नहीं कर पाएंगे, इसके लिए नहीं। कोई ऐसी सिचुएशन बनाओ और अगर जो देखना पड़े तो 100% सक्सेस मिले उसके बाद, कोई कैजुअलिटी ना हो, ना कोई इंजरी हो। तो ये इतना बढ़िया ऑपरेशन हुआ था विदाउट एनी इंजरी, विदाउट एनी कैजुअलिटी, एंड रिकॉर्ड टाइम और ऑड्स हमारे साथ थे। और आई डोंट नो, शिप इतना बड़ा, यूजुअली जो अगेन आपने जहाँ से पूछा था कि रेस्क्यू बोट, तो रेस्क्यू बोट लोअर कर सकते थे बट रेस्क्यू बोट लोअर नहीं भी कर सकते थे। पता नहीं रेस्क्यू बोट लोअर करते तो रिजल्ट क्या आता। तो एक बोलते कि एक भगवान ने रास्ता दिखाया और हो गया। क्या मेरा एक और प्रश्न है कि जितना मैं, जो मैंने वीडियो देखा 7 News पे ने जो वीडियो बताया उस पे, जो वे उन्होंने जो वीडियो बताया कि एक बंदे को रेस्क्यू किया गया हेलीकॉप्टर से, जब दूसरे बंदे को के लिए आपने जब बो फेंका उसको पकड़ने के लिए तो पीछे से शाक आ रही थी, तो जो मैंने वीडियो देखा वो क्या था? नहीं ये थोड़ा सा उसमें देखिए 3-4 चीजें उसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया। चलो ठीक है, अभी टाइम भी शॉर्ट था, एक्साइटमेंट थी एंड दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब, बट थोड़ा सा इंफॉर्मेशन थोड़ा सा मिसमैच हो गया। जैसे ऐसा नहीं था, शार्क तो पहले ही जो आपको बताया वहीं पे स्टोरी पे खत्म हो गई थी, क्योंकि बाद में चलो सर्वाइवर्स ने बताया कि उन्होंने भी कंफर्म किया था उस टाइम में शार्क्स थी, और कहीं पे उन्होंने बोला कि जब वो पकड़ने जा रहे थे बॉय, दैट वाज आई थिंक द फर्स्ट टाइम, द फर्स्ट बॉय था उस टाइम में शार्क थी, बट देन अगेन फिर वो बोलते हमने पीछे देखा नहीं, और फिर उसके बाद शार्क का उनके इधर भी जिक्र नहीं आता है। तो वो इतना बड़ा शिप, एक्चुअली रीजन यही था इतना बड़ा शिप लेके जाने का कि वो शार्क को भी डिस्टर्ब करके उसको वहां से थोड़ा हटा दे। अगर एक बार क्या होता है इतनी बड़ी जो शिप चलती तो उसका जो वेव्स जो क्रिएट होते पानी में, तो उससे ये जो एनिमल्स है ये थोड़े दूर जाते हैं। शार्क इज क्वाइट शार्प एनिमल, वेल्स के जैसा नहीं है कि स्लो मूविंग और ऐसा, तो वो फिर उसमें असर पड़ता है, क्योंकि सेम चीज है उनकी भी सेफ्टी है कि ये जब सीधा उनको भी लगेगा। क्योंकि हुआ क्या ना कि आई वोंट नेम एनी न्यूज़ चैनल, लेकिन इस ऑपरेशन को दिखाया गया कि रितेश, कैप्टन रितेश हैज रेस्क्यूड 2 पर्सन फ्रॉम शार्क। आई नो so, ये तो सच भी है। और मैं खैर बिकॉज़ ऑफ माय प्रोफेशन आई एम स्टिल लाइक मेरे नाम के आगे, बिकॉज़ आई एम स्टिल एन एक्टिव पायलट, तो मैं अभी भी शिप को ये करता हूँ, मतलब उसको नेविगेट करता हूँ एज अ नेविगेटर मेरी चैनल के लिए। तो स्टिल आई टेक्निकली आई एम स्टिल कॉल्ड कैप्टन, तो चलो वो एक ठीक है, लेकिन उन्होंने मिक्सअप कर दिया, पायलट की जगह कैप्टन बना दिया मुझे। कोई नहीं, मिक्सअप कर दिया। दूसरा मुझे एक बहुत ही मतलब एक थोड़ा सा हंसी भी आई और थोड़ा सा ये भी लगा चलो ठीक है, मैंने लिक्विड बोला है एक जगह में कहीं, लेकिन वो थोड़ा सा कहीं साउंड में थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया, वो लिक्कर हो गया। तो लिक्कर तो खैर पता नहीं बैंड है काफी सालों से, और पता नहीं लास्ट टाइम कभी मैंने लिक्कर देखा था जाज में। तो ये अभी एक पुरानी, एक बोलते ना बहुत पुराने टाइम की बातें है ये कि ऑल दिस पार्टीज एंड लिक्कर, मतलब तो काफी प्रोफेशनल है सारे, और बच्चे भी आते बहुत ही पढ़े लिखे आते हैं सारे, स्पेशली हमारे जो इंडियन जो आते हैं, और इवन अदर नेशनलिटीज भी मैंने देखी है कि हाईली क्वालिफाइड, हाईली बहुत ही पढ़े लिखे, ये प्रोफेशन की तरह इसको लेते हैं, काफी पढ़े लिखे काफी क्वालिफाइड लोग आते हैं आजकल। तो ये लिकर वगैरह की तो बात ही नहीं है उस पर, प्लस पानी में से बंदा निकला है तो उसको लिकर कहाँ ले, तो लिक्विड बोला था मैंने। तो ये चलो थोड़ी बहुत थोड़ा बहुत मिसकम्युनिकेशन है, वो मिसहर्ड हो जाता है, तो लेस और दैट मच शायद मैं भी थोड़ा सा मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा उस टाइम में ऐसा रहा होगा, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग फिर उतरने के बाद फिर हमारा रेस्ट होता है, बट
नेक्स्ट डे जो जिस रात जो ये ऑपरेशन पूरा खत्म हुआ वो रात में पूरा सो नहीं सका, क्योंकि सारे जो आज अभी जो बैठ के मैं इफ्स और बट्स जितने में गिना रहा था इससे भी बहुत ज्यादा इफ्स एंड बट्स मेरे दिमाग में बहुत आए थे, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस के इफ ऐसा होता बट अगर जो ये होता या फिर ऐसा होता तो पता नहीं क्या आज मैं कहां बैठा होता, मैं सो नहीं पाया था। और फिर नेक्स्ट डे मैंने इंटरव्यू करी थी तो शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन उसमें थोड़ा सा ये हो गया था जो लिखकर, और वो नॉट ओनली न्यूज चैनल ये बहुत जगह गया है, मैं पूरे वर्ल्ड में गया है ये, मैं बहुत सारे देख रहा था गूगल में रेस्क्यू या ऐसा कुछ डाल के, तो पता नहीं कहाँ का यूरोप में कहाँ कहाँ के न्यूज में गया, और मैं ये सोच रहा था कि जो लोग पढ़ेंगे ये भाई ये कौन आदमी है, इसने सब कुछ ठीक तो बोला लेकिन इसने भाई उनको लिखकर दे दिया। तो बोला ठीक है कोई नहीं, सर्दी लगी थी तो थोड़ा ब्रांडी दे दिया था। सो एक लास्ट क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन है आपके लिए, सिंस यू आर अ पायलट सो हाउ यू बोर्ड अ शिप एंड हाउ यू बोर्ड ऑफ, बिकॉज यू हैव टू लीव द शिप वंस इट्स आउट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन वाटर, सो यू डू यू गेट द सर्विस ऑफ हेलीकॉप्टर और हाउ इट इज डन? वेल हेलीकॉप्टर से कहीं पे पायलट लैडर है, तो मोस्टली पायलट लैडर से होता है। सो एक रोप की लैडर होती है, एक रस्सी की एक लैडर होती है, रस्सी और लकड़ी की लैडर होती है, तो उसके ऊपर फिर हम लोग चढ़ते हैं उसको पकड़ के ऊपर तक, उसके स्टैंडर्ड्स है कुछ। और खैर अगेन वी आर उसके ऊपर आप चढ़ के जाते हो हेलीकॉप्टर पे? नहीं नहीं, उसके ऊपर चढ़ के शिप पे चढ़ते हैं हम लोग, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। उससे भी कैसे जाते हो? एक छोटी सी बोट में। अच्छा अच्छा, छोटी सी बोट होती है तो उससे लेके, जो पायलट बोट होती है वो लेके जाती है, फिर पायलट लैडर चढ़ती है, चढ़ के ऊपर जाते हैं हम लोग, एंड उतरते समय भी वही करते हैं। अब दूसरा जो है जहाँ पे हेलीकॉप्टर है, तो अभी कुछ एरियाज है जहाँ पे हेलीकॉप्टर है, तो हेलीकॉप्टर फिर हमें वहां पे हेलीकॉप्टर लैंड करता है शिप के ऊपर, और अगर जो लैंडिंग फैसिलिटी नहीं है तो फिर एक बेल्ट होती है जो यहाँ पे मतलब बिल्कुल जो दोनों बाह है उसके अंदर में से डाल के और पीछे से, सो तो टॉर्सो का एरिया है पीछे से उसको बिल्कुल लिफ्ट करके तो उसके ऊपर वेट होता है, तो उससे हम लोग को नीचे विंच करते हैं, नीचे भेजते उसको फ्री करके, फिर हम बिल्कुल मतलब चल सकते हैं, फिर उठाते समय से विंच कर लेते हैं, जो रेस्क्यू में जो इन बंदों को जो रेस्क्यू वालों ने किया था जो विंचिंग करके लेके गए वैसे ही। तो खैर उसकी ट्रेनिंग होती है अलग से हेलीकॉप्टर की, फिर उसका हेलीकॉप्टर का कोर्स करना पड़ता है, जो हेलीकॉप्टर पलटी होता है तो कैसे निकलो और वो सब वो है उसके कोर्सेस। तो उसके बाद जब ये आप घर आए, आई एम श्योर कि आपका जो पहला जब इंटरव्यू हुआ होगा वो अब घर आने के बाद ही हुआ होगा कि वहीं पे हुआ व्हाइल यू आर होम? नहीं, आई वाज क्योंकि बिकॉज ये आइलैंड्स की ड्यूटी थी, सो मैं रहता हूँ केन्स में, तो वहाँ पे नॉर्थ में फिर भी मेरी क्योंकि जो मेरी टूर अभी भी चालू ही थी, तो आई डिसाइडेड टू स्टे बैक, मेरी टूर ऑफ ड्यूटी मेरी खत्म करके ही मुझे आना था, तो मैंने फ्लाइंग का तो मतलब पूछा भी नहीं मैंने, क्योंकि भाई जो ड्यूटी है वो तो पूरी करनी है, जो ट्रिप है वो पूरी करनी है। सो वहाँ पे दो दिन में वही पायलट हाउस में था, तीन दिन पायलट हाउस में था आके, तो वो इंटरव्यू वो भी पायलट हाउस में ही हुआ था वहाँ पे। और घर पे जैसे ही टीवी में आया तो मेरे नेबर्स थे वो घर पे आए, वाइफ को बोला रे ये सब चल रहा है बच्चों को, और वेरी एक्साइटेड क्योंकि सारे नेबर्स यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन लोकल्स है, बहुत आए थे, बहुत फोन आए वाइफ को फैमिली को, और ये तो मतलब इट स्लोली ग्रेजुअली सिंक्ड इन इनको। हालांकि मैंने मेरे इवन इंडिया में भी मैंने सबसे पहला फोन मैंने जो जैसे शिप से उतरा मैं, क्योंकि शिप में तो खैर फोन मैं नहीं यूज करता अनलेस इट इज इमरजेंसी, और इमरजेंसी के फोन मुझे जो करने थे जो अथॉरिटीज को वो सब मैं कर रहा था ये थे मैंने एट द राइट टाइम, लेकिन उतरने के बाद ड्यूटी खत्म हुई शायद एक प्रॉपर मतलब ये हो गया शिप अपने रास्ते पे चला गया, इट वाज अ वेरी वेरी इमोशनल पार्टिंग अवे। वो होने के बाद फिर मैं बोट में बैठ के मैंने फोन किया, सबसे पहले फादर को फोन किया, मदर और फादर से बात करी, फिर जो वाइफ के पेरेंट्स है उनसे बात करी, मेरे वाइफ तो खैर अभी जॉब पे थी तो उसको पता नहीं था। तो रातों रात स्टार बनना कैसा लगता है उसमें अभी? राकेश जी मैं आपका बड़प्पन है, मैं अपने को स्टार कंसीडर नहीं करता हूँ, मैं एक ये बोलता हूँ कि देखिए मैं बहुत ही जो कर्म है जो मैंने जो मेरे जो संस्कार है सनातन के जो हिंदू भगवान में बहुत मानता हूँ मैं, और मुझे ये रास्ता जो है मुझे भगवान नहीं पता, तो मैं अपने आप को स्टार नहीं मानता। ये चीज ऐसी है कि उस टाइम पूरा टाइम मुझे एक जो माइंड में जो आता गया सारा ऊपर वाले से कहीं से वही पूरे डायरेक्शन आते गए,
और देट वॉज इट लाइक। और उन्होंने भी फिर उनकी इंटरव्यू भी आप देखेंगे तो पेपर में बहुत लंबी चौड़ी इंटरव्यू से पाया अच्छी खासी उनके गेंद पोस्ट ने तो काफी स्टोरी चलाई थी, 3-4 दिन तक चलाई थी। तो जब आप पहली बारी घर आए उसके बाद जब ये सब कुछ हुआ आपका इंटरव्यू हुआ तो हाउ यू आर रिसीव्ड एट योर होम? घर कहाँ, मुझे तो वहीं पे जहाँ पे मैं उतरता हूँ मरीना पे, वहीं पे मेरे बेटे और वहीं पे सारे आ गए थे मुझे पिकअप करने के लिए। वहीं पे मेरी बेटी, मेरा बेटा भाग के एकदम अंदर तक आ गए थे, मुझे हग किया जेटी पे, क्योंकि वो जो मरीना का जो गेट है गेट खुला था। तो मैं कुछ लेट इवनिंग में उतरा था तो आके सीधा मुझे हग किया था उन्होंने, वेरी हैप्पी। एंड क्योंकि बच्चों को तो चलो के पापा हीरो है मेरे, सो बहुत अच्छा लगा। देन वाइफ वाज देयर, बहुत अच्छा लगा। एंड आई शेयर्ड दिस थिंग और पूरा रास्ता वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट। एंड वाइफ और बच्चे भी बिल्कुल सब सुन रहे थे, बड़े इंटरेस्ट। हालांकि उन्होंने, मैं जो बता रहा था उससे बहुत ज्यादा उनको तब तक मालूम चल गया था, पेपर्स में आ गया था और न्यूज में था, उन्होंने देख लिया था, क्या था, बट फिर भी बड़े इंटरेस्ट है और फिर क्वेश्चंस पूछ रहे थे एंड ऑल। तो एक बार ही आपकी फैमिली से मिलना चाहेंगे, देखेंगे कि हाउ दे आर फीलिंग। आई विल जस्ट कॉल। तो सबसे पहले लोटस वर्ल्ड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जो आपके पति ने और बच्चों, आपके पिता ने जो काम किया है लिटरली में सनातन धर्म में, ये बोला जाता है जिंदगी देने वाला, जिंदगी लेने वाले से करोड़ों टन, करोड़ों बारी बड़ा होता है। और वो काम आपके पिता ने और भाभी जी आपके पति ने किया है कि उन्होंने दो लोगों की जान बचाई है, तो उसके लिए हम लोटस वर्ल्ड आपको हार्दिक अभिनंदन करता है और आपको मुबारकबाद देता है कि यू बिलोंग टू दैट ब्रेव फैमिली। तो नौ मेरा पहला प्रश्न है बच्चों से, बच्चों आपको कैसा लग रहा है कि जब व्हेन यू से दैट टू पीपल कि यू योर पापा हैज डन सम ब्रेवरी एक्ट, हाउ डू यू फील अबाउट इट? बहुत अच्छा लगता है बेटा। आपसे बेटी अच्छा लग रहा है? कभी आपने अपने फ्रेंड से बात की इस बारे में? व्हाट दे सेड? बाबी जी आपको हाउ यू आर फीलिंग? अच्छे कर्म लिखे होते हैं कभी जो बोलते ना भगवान ने, एंड ही बिलीव्स इन दैट, वो उसमें मानता है, हम लोग सब मानते हैं कि अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो, वी ऑलवेज टीच देम किड्स। इसलिए तो ये जो अच्छे कर्म होते हैं आई थिंक भगवान ने उसको चुना कि भाई ये तेरे हिस्से का है। ये बाबी जी आपसे एक और प्रश्न, जब अभी आप किटी, उसके बाद कोई किटी पार्टी में गए हो आपके? नहीं, मैं किटी पार्टीज नहीं जाती हूँ। तो मैं जॉब पे जाती हूँ जहाँ पे मैंने बात की है एंड एवरीवन लाइक ओ अच्छा इट वाज योर हस्बैंड, दैट वाज द एक्सप्रेशन कि किसी से भी बात किया था, दे वर वेरी हैप्पी कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं दैट बिलोंग्स टू दिस पीपल, टॉरस आइलैंड इज का एंड एवरीवन, यहाँ पे जितने भी लोग हैं इफ यू appreciate करते हैं, especially जो मेरी preschool teacher है, she's herself is a PNG, so she was very happy, उसने phone channel पे देख के मुझे phone किया था, कि I think the surname is same, तो तू पहचानती है क्या? तो मैंने बोला ये मेरे husband है, so it's a very small town and it's a small world, so I get many calls, because काफी calls, काफी messages आ रहे हैं। I think रात को भी मेरे को 2-3 बजे भी इंडिया से कॉल आ गया, रश्मि ये कौन है? तो लास्ट प्रश्न, जब आपके मम्मी पापा ने फोन किया होगा और इनके मम्मी पापा ने आपको फोन किया होगा दोनों से, तो हाउ यू फेल्ट एट दैट टाइम? इस बारे में मैं अच्छा लगता है करके कि कोई आपके बारे में, इनके बारे में स्पेशली लेके अच्छी बात करता है करके, एंड दिस इज अ बिग थिंग, बड़ी बात हो गई। पहले कोई प्लान करके नहीं चले थे, पर जो वहाँ पे किया इधर इस किस करियर, इतना थोड़ा सा भी इधर सा उधर होता था तो आई थिंक ये किसी और चीज के लिए न्यूज़ में होता था। रितेश जी आपसे मेरा एक क्वेश्चन है जो मुझे पहले पूछना चाहिए था, मुझे मिस हो गया, कि व्हाट वाज द नेशनलिटी ऑफ दीस टू पीपल हु गॉट रेस्क्यूड?
they are Australians. They are Australians. Were the fishermen? They were fishermen. तो इसीलिए उनको पता था पूरा कि at least they knew कि what are the survival techniques because 14-15 घंटे पानी में रहना ये जो एरिया ये तो टॉरेस्ट्रेट आइलैंडर्स तो दे आर बॉर्न फिशरमैन ये तो आइलैंड्स के बीच में कभी ये स्विम करके आइलैंड्स के बीच में भी चले जाते हैं लोग रितेश जी आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से इस समय तो और भी ज्यादा बिजी स्केड्यूल है बिकॉज़ एवरीवन इज ट्राइंग टू रीच यू बाय सम हम समहाउ सो आपने इस बीच कुछ भी आना कानी करने के बगैर आपने सीधे मुझे लोटस वर्ल्ड को समय दिया अपने कीमती समय में से आपने कुछ समय निकाल के हम लोटस वर्ल्ड से बात की उसके लिए लोटस वर्ल्ड आपका हमेशा हमेशा आभारी रहेगा जाने से पहले मैं आपसे इतना बताऊं कि द एक्ट द ब्रेवरी एक्ट विच आई डन आप इसको बड़ा मानते हो या ना मानते हो लेकिन पूरे विश्व के लिए कि ये बहुत बहुत ही नेक काम है देखो काम बड़ा छोटा नहीं होता है काम होता है कि हाँ ये इससे इम्पैक्ट क्या है कि दो जिंदगियां आपने बचाई है दो जिंदगियां नहीं है जो दो घर है जो आपने बचाए हैं कि एक कहावत है कि जब कोई पुलिस वाला या आर्मी बेल्ट फोर्स वाला मरता है बोलता है कि भैया क्या है हमारी तो उसके परिवार वाले बोलते हैं हमारी तो रोटी गई है तो वैसे ही वो भी दो रोटी थी दो घरों की जो आपने बचाई है तो ये किसी मिरेकल से कम नहीं है तो इसके लिए लोटस वर्ल्ड आपको हार्दिक अभिनंदन करता है आपको बधाई देता है कि आपने ऐसा काम किया एंड यू वर द पार्ट ऑफ द मिशन हु सेव द लाइव्स ऑफ टू प्रेशियस मेन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया तो आपसे मैं अभी क्लोजिंग चाहूंगा उसके बाद हम इस कार्यक्रम को ये समाप्त करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी एंड मैं अभी भी मेरे जो पर्वत दिगर जो मेरे भगवान है उन्हीं को मैं इसके लिए शुक्रिया देता हूँ उन्होंने रास्ता बताया थैंक यू वेरी मच सो भाभी जी बच्चों थैंक यू फॉर जॉइनिंग टू लोटस वर्ल्ड काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल लाइक आवर वीडियोस एंड स्पेशली दिस वीडियो आप इसको लाइक जरूर किए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो बताइए कि देखो हमारे पापा ने एक इंडियन चैनल है ये इस पे आप इंटरव्यू दिया हुआ है आपने तो अभी तक सभी इंग्लिश चैनल में दिया होगा आई थिंक इज दिस योर फर्स्ट हिंदी इंटरव्यू और दिस योर फर्स्ट ओके तो चलो ठीक है ही तो हमने पहला काम किया हुआ है तो ऑन दैट नोट लेट्स से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू एंड कीप डूइंग गुड वर्क थैंक यू ऑल जय हिंद थैंक यू जय हिंद जय हिंद जय हिंद We'll be right back.